राम 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 ठीक है बा धुकुल्ली भाई आप सुनावा का हाल चाल बा कैसे बाटा बहुत दिन बाद दिखाई दे रहा है। हाँ वो सुखे भाई और रामकलावन भाई बहुत दिन हो गए चल गए हैं तेरे घूमे घामे सोचिए वही लागे तो सब कुछ काम मिल गए सोच रही कमो को धोली तो फिर बड़े दिन के बाद वापसी भाई है और बतावा तो हम लोग कैसे बा बढ़िया बाटा ना। हाँ भाई सब ठीक है बा कहीं तैयारी बा का तैयारी ना होके तेरे बात कहीं तो सुना बात ये रहल कि बहुत दिन हो गए और पप्पू भैया फोन कर लिए रहना है हम जाऊँ ना पहले उनका पता नहीं जोड़ तोड़ के रैली पता नहीं कैसे चलत बा सुन लिए जोड़ तोड़ के रैली समाप्त हो गए बा अब आई गई हम तो चले को मन करते चलते मिल आवल जा देखल जा का हाल बाटे उनका जोड़ तोड़ के रह ली के सही कहत में सुखे भाई। हाँ धुरकुल्ली भाई चला मिल आवल जा ढेर दिन हो गई कोनो समाचार मिलल नहीं तो चल जा बातचीत होके अब उसने थे जोड़ तोड़ के रैलियो खत्म हो गई बा थोड़े कुछ मस्ती उस्ती हो देखल जा कहीं पान बने तो फिर कहीं चल जाए। एकदम सही बात का तो सुखे और रामकलावन भाई हम ये सोचे तनी ये ढेर दिन हो गए मुलाकात ना होता अच्छा हो चल जा तो बाय बाय मिल आवे जा देखल जा का हाल चल बा पाने बाबा के हेलो हेलो। हाँ खड़े खड़े अरे हमारी कुछ व्यवस्था उस्ता कराओ भाई मैं यात्रा करते करते तो बिल्कुल थक गया हूँ कुछ विश्राम उश्राम की कुछ प्लान बनाओ मैं देखता हूँ कुछ नया प्लान कोई आइडिया सोचो मेरे लिए मैं बिल्कुल थक गया हूँ मुझे आराम करने दो और तुम लोग सोच के कुछ नया प्लान बताओ और आगे देखता हूँ क्या हो सकता है जल्दी से सोच के बताओ। राम राम पप्पू भैया राम राम और का हाल चाल बा भारत जोड़ तोड़ यात्रा के। अरे आओ आओ रामकलावन भाई बहुत लंबी उम्र है भाई अभी तो मैं याद कर ही रहा था चलिए अच्छा हुआ आगे बहुत बढ़िया है। अच्छा तो भाई जोड़ तोड़ की यात्रा नहीं भाई भारत जोड़ो यात्रा है हम लोग हमारे रैला का नाम भी गलत बता देते हैं यात्रा का भी नाम अरे कम से कम सही बोला करो यार एकदम पप्पू भैया एकदम मजा आएगा हम लोग भी सोच ही रहे थे रामकलावन भाई सुखे भाई और रुकली भाई सब क्यों लगातार कर रहा है ओहो कुछ बातचीत नहीं हो पा रहा तो सोचे थे चला जाए बहुत दिन के बाद तो बातचीत सब लोग मिले हैं मजा आएगा। हाँ पप्पू भैया हम लोग भी यही सोच रहे थे हम भी कहीं चले गए थे आ नहीं पा रहे थे तो सोचे भाई अब रैला वाला खत्म हो गया जोड़ तोड़ का तो फिर चला जाए तो कहीं प्लान वाल बनावा जाए घूमा टहरा जाए। हाँ बहुत यात्रा तक करके थक गए हो अब थोड़ा सा कुछ मौज मस्ती होना चाहिए ना। एकदम सही बात कहे हैं भाई मित्र हो तो ऐसे ही हो भाई समय समय पे आप याद दिलाते रहते हो। हाँ यार मैं तो भूल ही गया था कि कुछ मौज मस्ती भी होना चाहिए। अरे रामकलावन भाई आए हैं अभी तो मैं फ़ोन पे बात कर रहा था मैं बोला हूँ खगड़े से खगड़े जरा मेरा व्यवस्था व्यवस्था कराओ मैं थक गया हूँ बिल्कुल आराम चलना चाहता हूँ। तो आराम कहाँ किया जाए नेपाल में किया जाए कि थाईलैंड में किया जाए कि इटली में किया जाए जैसा बताइए आप जहाँ का प्लान बनाइए वहीं चला जाए वहीं मस्ती किया जाए थोड़ा। पप्पू भैया एक बात हम कि नहीं समझ में आई तुम्हारा रैला बहुत तेज चलल तुहरे टी शर्ट पे बड़ा बवाल उठल ठंडी पे बड़ा बवाल उठल लेकिन तू एक बढ़िया जवाब देला निक जवाब देला कि ठंडी से हमको डर नहीं लगती है जिसको डर लगता है वही स्वेटर जाकी जूता मोजा टोपी कंटोप सब पहनता है लेकिन आपको डर नहीं लगा लेकिन लास्ट रैली में तो मैं देख रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में जाते जाते आपको भी लगता है ठंड से डर लगने लगा। अरे सुखे भाई नहीं जानते हैं ये सब तो ऐसे ही चलता रहता है हमको भी ठंडा लगता था हम तो अपने वो कंटेनरों में बैठ के व्यवस्था कर लेते थे ना उसको व्यवस्था कर निकलते थे ऐसा ऐसा चीज़ मैं खा पी लेता था कि ठंडी का बाप ना असर करे। लेकिन सही बात है जम्मू कश्मीर में ठंडी बहुत पड़ती है भाई बर्फ़ गिरने लगता है तो हड्डी हड्डी काँपने लगती है। अरे तो सही कहो खगड़े का
मेरा व्यवस्था करा दिया टोपा का, और ऊपर से वो बड़ा वाला कश्मीरी वाला मोटा वाला जैकेट का, नहीं तो समझ लो यार मेरी तो हड्डी हड्डी वहीं सब जम के बर्फ़ हो गया होता, समझ लो। अरे तो नहीं पहने होते तो हम बर्फ़ा हो गए होते यार, क्या चाह रहे हो? हम तो सोचे कि राजनीति में ऐसी स्टंट चलता रहेगा सफ़ेद सफ़ेद टी शर्ट वाला, लेकिन नहीं यार मज़ा नहीं आया, लास्ट में ठंडी तो डरा ही दिया साला। हम तो सोचे नहीं डरेंगे लेकिन डराया दिया, बहुत ठंडी पड़ती यार, न जाने कैसे लोग वहाँ रहते हैं। फुल व्यवस्था हमने किया था कंटेनर में साला, उसमें लगाया था ब्लोजो ब्लोवर, और खाते पीते भी खूब थे साला, एक एक से आइटम खाए पी ले, फिर भी साला वहाँ ठंडी लगने लगा यार। सही कह रहे हो भाई, हम भी जा रहे हैं एक बार दर्शन करने, वहाँ पे बर्फ गिरने लगा, हालत खराब हो यार, हमारा तो पैर वैर सुन्न हो ही गवा रहा, किसी तरह से आए हैं तो आगे होगी बारे रहे सब रही है, कोयला वाला जला रहे हैं तो पैर वैर सेके तो पिछले लायक हुए। वाकई वहाँ जब बर्फ गिरने लगती बहुत ठंडी पड़ती यार, कैसे झेले रहो यार इतना ठंडी तुम? तुम तो ब्लोअर में रहने वाले आदमी, एसी में रहने वाले आदमी यार, कैसी ठंडी झेले रहे हो इतना ठंडी में टी शर्ट पहन पहन की? तो हमारे को समझ में नहीं आवा कि तुम कैसे इतना झेल लियो यार। अरे नहीं जान पाए दुर्गली भाई, राजनीत है कूटनीत है इसमें सब चलता है, कोई कौन सा अर्थ है इसके, और जंग में सब जायज है तो सब करना पड़ता है यार, ऐसे ही नहीं मिल जाता है शासन सत्ता गद्दी, कुछ न कुछ दिखाना पड़ता है। हमारा एक छवि बन गया टी शर्ट वाले बाबा जी, टी शर्ट वाले बाबा जी, हमने साधना कर लिया है मुझे ठंडी नहीं लगती है, लेकिन क्या बताया यार साला प्रकृति के आगे सब फेल हो जाता है। हमारा सब जो है जो चंगे मंगे हैं कुछ ना, सारे किया किराए पे पानी फेर देते हैं, और ऊपर से ये प्रकृति, अच्छा धूप, अच्छा खासा धूप हुआ तो काहे हम पहनते, लेकिन लास्ट में साला बर्फ़ गिरने लगा, पानी बरसने, इतनी ठंड हो गई कि सब कुछ पहनना पड़ा यार, तोपा भी पहनना पड़ गया यार, हम तो सोच ही नहीं थे कभी तोपा पहनेंगे लेकिन पहनना पड़ गया। अच्छा ठीक है, और बताओ यार तुम लोग कैसे हो? बढ़िया हो? तो फिर प्लान बनाते हैं, तो हम सोच के बताते हैं कि कहाँ चला जाए, नेपाल चला जाए, काठमांडू या थाईलैंड, और या तो नहीं तो इटली चलते हैं। इसके अलावा कोई और अच्छी जगह हो तो बताना तुम लोग भी, फिर चलते हैं एक साथ, हम लोग मस्ती करते हैं। अब तो थोड़ा खाली हो गए हैं यार, अब बस ज़्यादा दिन के लिए नहीं, थोड़े दिन के ही खाली हैं, अब इसी में बीच में घूमना ना रहेगा। ठीक है तो फिर चला जाए कहीं घूमा हुआ जाए, ठीक है प्लान बना के, और अगर कुछ नया हो तो बताइए, फिर हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा ये बकैती? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं इसके संबंध में भी बताइएगा, और साथ साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप लोग अपना अमूल्य सुझाव जरूर देते रहें। थैंक यू दोस्तों।